कार मित्रों, आपका आपके लोकप्रिय चैनल ओम एस्ट्रो वास्तु में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको जो वीडियो दे रहे हैं मकर राशि के जातकों के लिए। मकर राशि के लड़के लड़कियों की सभी आदतें आपको बताएंगे। उससे पहले आपको ये बताते हैं कि मकर राशि का जो स्वामी है वो शनि होता है। मकर राशि के लड़के बहुत आत्मविश्वासी होते हैं और इनके अंदर एक और चीज़ होती है कि ये देखने में इनको आप लगेगा कि ये थोड़े सुस्त हैं, लेकिन इनका माइंड, इनका मस्तिष्क बहुत तेजी से काम करता है और मस्तिष्क के कारण ये अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। इसकी और सुंदर सुंदर जानकारियां मेरे इस वीडियो में मिलेंगी आपको। देखिए, कमेंट्स करिए। नमस्कार, श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। नमस्कार मित्रों, आपका ओम एस्ट्रो वास्तु चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम राशि चक्र की दसवीं राशि के बारे में बात करेंगे, यानी मकर राशि की। मकर राशि के जातकों को कैसे पता लगे कि वो इस राशि के हैं, तो उसके लिए हमने कैप्शन दिया हुआ है। उन नामों से अगर आपका बोलता अक्षर शुरू होता है तो आप मकर राशि में आते हैं, और लग्न में अगर आपका दसवां खाना है तो भी आप मकर लग्न में आते हैं, और आपकी दसवें नंबर में अगर चंद्रमा विराजमान है तो आपकी मकर राशि है। आज हम अपने इन्हीं मकर राशि के दोस्तों मित्रों के बारे में बात करेंगे, उनके बारे में सारी विस्तार से जानकारी देने का प्रयास करेंगे। मकर राशि राशि चक्र की दसवीं राशि है और ये सबसे गंभीर राशि है। ये लोग व्यवहारिक होते हैं, स्वतंत्रता इनको पसंद होती है। व्यक्तिगत और व्यापारिक दोनों मामलों में ये उन्नति करने में सक्षम होते हैं और उन्नति करना चाहते हैं। शनि के प्रभाव के कारण मकर राशि के लोग जो हैं वो जिम्मेदार होते हैं और भविष्य के लिए पैसा जोड़ना जानते हैं। इनके लिए दूसरों के मतभेद को स्वीकार करना बड़ा मुश्किल होता है। बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, सम्मान और सफलता के लिए लगातार काम करते हैं। इनका शाही अंदाज भी होता है और गंभीर व्यक्तित्व होता है। अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कोई भी लेवल हो, कठिन से कठिन परिश्रम करना इनको पसंद होता है। यात्रा भी पसंद करते हैं। गंभीर स्वभाव होने के कारण इनके आसानी से मित्र नहीं बनते, और जो मित्र होते भी हैं वो व्यवसाय से रिलेटेड होते हैं, कार्यालय से रिलेटेड होते हैं, कोई अपने खास स्कूल और कॉलेज के फ्रेंड नहीं बन पाते। कम बोलते हैं, ईश्वर और भाग्य में विश्वास करते हैं। इनकी पसंद और नापसंद बड़ी दृढ़ होती है, जिसके कारण इनका वैवाहिक जीवन जो होता है वो लचीला नहीं होता, और जीवन साथी इनसे थोड़ी परेशानी महसूस करते हैं। देखने में तो ये सुस्त से लगते हैं, अगर क्योंकि शनि के प्रभाव है, लेकिन मानसिक रूप से बड़े स्ट्रांग होते हैं। हर काम को योजनाबद्ध तरीके से करते हैं। ये प्रेमी के रूप में अपनी भावनाओं में नहीं बहते, ये नियंत्रित, नपे तुले और सतर्क अंदाज में अपने प्यार के मामले को आगे बढ़ाते हैं। ऊपरी तौर पर ये कठोर परंपरावादी लगते हैं, समाज में अपनी उपस्थिति को लेकर बहुत ही सतर्क रहते हैं, डरे डरे से रहते हैं। प्रेमी के रूप में देखें तो ये गंभीर प्रेमी है, अपने प्यार को फलने फूलने के लिए पूरा समय देता है और अपने प्यार का इजहार करने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकता है। पिता के रूप में देखें तो ये अपने बच्चों के प्रति काफी सख्त होते हैं, कैरियर और अपने बच्चों की परवरिश के बारे में बहुत चिंता करते हैं। इनकी यही सख्त आदत के कारण ये पिता के रूप में बच्चों से एक दूरी बना लेते हैं। माता के रूप में देखें तो माता के रूप में भी ये मकर राशि बहुत सख्त महिला होती है, हमेशा महान के चक्कर में बच्चों पर कठोर अनुशासन डाल देती है, और इसी कारण बच्चों से इनकी दूरी बढ़ जाती है। बॉस के रूप में देखें तो ये मालिक के रूप में बहुत सख्त होते हैं, कर्मचारियों के बीच में ये प्रिय मालिक नहीं बन पाते, क्योंकि कर्मचारियों को अधिक स्वतंत्रता देने में इनका विश्वास नहीं होता। ये महत्वाकांक्षी बहुत होते हैं और अपने सपनों को साकार करने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं। नए रास्तों पर चलना पसंद नहीं है इनको, इनको वही परखे हुए पुराने रास्तों पर चलना ही अच्छा लगता है। जोखिम उठाना इनके बस का नहीं है, ऐसा कोई काम ही नहीं करते। अपने कैरियर को बनाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं कि रिश्तों को और निजी जीवन को भी ये खतरे में डाल लेते हैं। मकर राशि में जन्मे लोग खुद के लिए
मानकों को स्थापित करते हैं। ये प्रबंध में, मैनेजर के रूप में, फाइनेंशियल में, शिक्षा में, रियल एस्टेट में नौकरी करें तो बड़ी उत्तम बात रहेगी। ये अपने कैरियर जब शुरू करते हैं तो उसको एक मिशन की तरह लेते हैं और अपने जो टॉप लेवल तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, नीचे से काम शुरू करते हैं और पहुंचते हैं टॉप पे, क्योंकि इनके अंदर पूरी लगन होती है और ईमानदारी होती है। ये बड़ा पाने के लिए हर दिशा में हर तरह से काम करते हैं। अपने काम में इन्हें ज्यादा महत्व नहीं मिलता तो ये उस काम में ज्यादा दिन नहीं टिकते। शारीरिक रचना बताएं तो ये बड़ा शरीर इनका सुंदर होता है, सुडौल होता है, धीरे बोलते हैं तो ऐसा लगता है लोगों को कि ये दार्शनिक हैं, कोई वैज्ञानिक टाइप के आदमी हैं। ये इनका एक बाहरी आवरण हो जाता है। अपने कार्यों में दृढ़ रहते हैं और असफलताओं से प्रभावित नहीं होते। इनकी कमजोरी भी है, ये स्वार्थी भी होते हैं काफी हद तक, और स्वार्थ के बिना कोई काम ही नहीं करते, और आपको लगेगा ये क्रूर टाइप के आदमी है। ये किसी पर भी निर्भर होने को एक दोष के रूप में लेते हैं, ये किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहते। ऐसे ज्यादा कठोर होते हैं, गंभीर होते हैं। इनसे बात करने में बहुत टाइम लगता है, इनको इनसे खुलने में। इनको धन और प्रसिद्धि पाने की कोई प्राथमिकता नहीं होती इनकी। ये क्षणिक खुशी तो ले लेते हैं लेकिन इनको ऐसा नहीं चाहिए कि इनको प्रसिद्धि चाहिए, बस काम में लगे रहते हैं। लेकिन एक और इनका गुण है, ये भौतिकतावादी नहीं है और ये अपनी कोई भी बात सशर्त करने को, मतलब जब तक कोई शर्त ना हो तब तक ये आगे नहीं बढ़ते हैं। मेरे को आगे कुछ पढ़ना है, इतना पैसा कमाना है, तभी आगे अपने कैरियर पे ध्यान देते हैं। दोस्तों आप बताते हैं आपको कि मकर राशि की महिला कैसी होती है और उसको आप कैसे आकर्षित करें। मकर राशि की जो महिलाएं होती हैं बहुत ही आत्मविश्वासी होती हैं, महत्वाकांक्षी होती हैं, डिसिप्लिन्ड होती हैं, जिम्मेदार होती हैं और विश्वसनीय होती हैं। इन पे आप विश्वास कर सकते हो। इनको अगर आकर्षित करना है तो सबसे पहला गुण आप अपने अंदर रख लो, आपको मजाकिया होना चाहिए। ऐसी महिला के साथ अगर आप बातचीत करना चाहते हैं तो शुरुआत में वो रक्षात्मक रहेगी, अपनी रक्षा करेगी और सोचेगी कि ये लड़के को अवॉइड करो, लेकिन अगर आप उसको प्रभावित कर लेते हैं वो बेहतर खुल के बात करेगी। लेकिन अगर आप ऐसी महिला के साथ डेट पर जा रहे हैं तो कोई गलत चीज की उम्मीद मत करना, अन्यथा ये आपको अपने जीवन से तुरंत बाहर कर देगी। इसको अपने जीवन साथी से सहज नॉर्मल महसूस करने की आदत है, बट ये महिला आमतौर पर हावी रहती है दूसरों पर। इसके अंदर एक ये भी गुण है, बुद्धिमान पुरुषों को पसंद करती है। आपने अगर इनको दिलचस्प बना लिया, खुश कर लिया तो ये बहुत हद तक बहकने को भी तैयार है और अधिक खुल भी जाती है। प्यार और रिश्तों की बात आती है तो इन राशि की लड़कियों का दिल जीतना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन एक बार अगर आपने इनकी पकड़ ले ली, मकर राशि की महिला जीवन भर आपका साथ निभाएगी। मकर राशि में पैदा हुए लोग जो होते हैं वो शब्दों के बजाय कार्यों के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, ईमानदार होते हैं, वफादार होते हैं, परवाह करने वाली लड़कियां होती हैं। अब कोई पुरुष के बारे में बात करें कैसे होते हैं, तो उनको कैसे आकर्षित करें। मकर राशि के जो पुरुष होते हैं वो दृढ़ निश्चयी होते हैं और महत्वाकांक्षी तो होते ही हैं, और पुरस्कार पाने के लिए अगर इनको लगे कि मेरे को अगर कोई एग्जाम पास करना है तो ये शीर्ष पर जाने के लिए हर तरह की मेहनत करेंगे। मकर राशि में जन्मे लोग लड़के भड़कीले सपनों को नहीं देखते कि मेरे को आईएएस बनना ही बनना है, वो जीवन की वास्तविकता को देखते हैं। ऐसे पुरुष को आकर्षित करना है तो उसकी महत्वाकांक्षा का सम्मान करना पड़ेगा, उसके धैर्य का, उसकी सकारात्मक विशेषताओं को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि वो रिश्तों में इन बातों को प्राथमिकता नहीं देते। परंपरावादी लोग हैं, स्थिर स्वभाव के हैं और व्यवहारिक जीवन साथी की उनकी कामना होती है। सार्वजनिक रूप से शर्मिंदगी से वो डरते हैं, इसलिए वो अपने प्रेम संबंधों को सार्वजनिक करने में भी डरते हैं। रोमांटिक संबंध हो उनको वो ओपनली नहीं जाहिर करते। ऐसा जीवन साथी चाहते हैं जो उसके लक्ष्य को समझे और उसकी महत्वाकांक्षाओं को पाने के लिए उसका समर्थन करे। ऐसे लोगों के मित्र कैसे होते हैं। मकर राशि बहुत बुद्धिमान विनोदी होने के कारण महान मित्र होते हैं, बड़े अच्छे ईमानदार और वफादार होते हैं, परंपराओं का सम्मान करते हैं, और मित्र अगर हो
कम होते हैं तो वो ज्यादा मित्र नहीं होते, बट उनके लिए वो मित्र ईमानदार होना चाहिए। मकर राशि का स्वामी शनि है और आपका भाग्य अंक है 1, 4, 8। इन अंकों का अगर जोड़ मिलता है आपको तो आपके लिए ये भाग्य अंक बड़े उत्तम रहेंगे। आपका सिर्फ एक अवगुण है कि आप बड़े निर्मम हैं, किसी को नीचा दिखाना पसंद करते हैं और सबसे बुरे की उम्मीद करते हैं। आपका जो राशि का स्थान है वो 10वां स्थान है। जो राशि ये बताती है कि आपका व्यवसाय, राशि चक्र की सबसे इंपॉर्टेंट राशि है मकर राशि, जो 10वें भाव को व्यक्त करती है, इसके स्वामी शनि होने के कारण व्यवसाय में, जॉब में, सफलता में, हर तरह से ये एक उन्नति कारक रहता है। आपके लिए भूरा रंग, सलेटी रंग और काला रंग उत्तम रहेगा। आप मकर राशि के सभी जातकों को शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। जय माता दी।